हुआ कि जाति का कार्ड नहीं चला उनका, जो उन्होंने चुनाव में कोशिश करी, धर्म का कार्ड उनका नहीं चला, तो तीसरा कार्ड जो फॉल्ट लाइन विदेशी भी ढूंढते रहे, नॉर्थ साउथ डिवाइड को उन्होंने फिर से प्ले करने की कोशिश करी है। साउथ में उनको एक स्टेट मिल गया है, कर्नाटक है, तो उसके दाव पे देखेंगे नॉर्थ का वोटर तो बेवकूफ है, वो तो मैच्योर नहीं है, राहुल गांधी बोलते ही हैं। अब वायनाड, जब वो अमेठी से भाग के वायनाड पहुंच गए, तो अब यही कार्ड बचा है, लेकिन जनता बहुत बहुत शातिर हो चुकी है, जनता बहुत समझदार नहीं थी उनको, यूपी ऐसे ही लगता है, ऐसा ही लगता है, यूपी के बिहार के नहीं चाहिए। देखिए जब उन्होंने जो 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 ये लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, राजस्थान में कई सीटों पर उन्होंने यात्रा करी, लेकिन लेकिन वो राजस्थान में मध्य प्रदेश से निकली 33 से ज्यादा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज उसकी बात नहीं करेंगे, वो करेंगे नहीं तेलंगाना में उसका लाभ हुआ। तो राहुल गांधी को सेल रीपैकेज करके जिस तरह से कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से नॉर्थ साउथ डिवाइड, क्योंकि अब तो वो सांसद भी साउथ के हैं, उनको मलयालम बोलनी भी नहीं आती है और वो साउथ के वायनाड के सांसद हैं, तो मेरे ख्याल से यही कार्ड बचा है, लेकिन जनता उनको और जोर से ठुकरा देगी। अब वो नॉर्थ आके देखें, चुनाव लड़के देखें, कहीं से जनता उनको किस तरह से भगाएगी वहां से, उनके परिवार का कोई लड़के देखें वहां से, उत्तर प्रदेश से कहीं से भी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक और सेल्फ गोल कर लिया अपने ऊपर, एक और सेल्फ गोल शहजाद। लेकिन पहले ऋषि और विजय जी, एक के कमेंट आपका, फिर शहजाद भाई आपके पास आ रहा हूँ। ऋषि, ये क्या, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड की क्या जरूरत है भाई? आज तो दिन है बड़ा, है जनादेश को नमन करने का दिन है, आज ये सब नॉर्थ साउथ डिवाइड। देखिए शहजाद भाई के अच्छा लिखा है नॉर्थ वर्सेस साउथ लिखा है, जो ट्वीट है वो उसमें लिखा है नॉर्थ वर्सेस साउथ। ऋषि अमन जी, शहजाद भाई ने कहा कि कांग्रेस जो है ओबीसी नॉर्थ वर्सेस साउथ पर, मैं बोल रहा हूँ सुन जी जी, कि उन्होंने ओबीसी की इन्होंने भी कहा या भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस जातीय कार्ड खेलती है, तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, तो ये कौन सा प्रधानमंत्री जातीय कार्ड खेल रहे थे? नंबर वन। नंबर दो, 2015 में आपको याद होगा इसी अमित शाह जी ने, सुन तो लीजिए ना, इसी अमित शाह जी ने कहा था कि ये बिहार का चुनाव शमशान वर्सेज कब्रिस्तान का है, कौन से धर्म का कार्ड खेल रहे थे अमित शाह? जब नॉर्थ में आप गाय को पूजते हैं और साउथ में, सुन तो लीजिए अमन भाई, बोलने तो दीजिए, साउथ में इसी गाय को इनके मंत्री कहते हैं कि गोवा में, गोवा के मैनिफेस्टो में देखिए कि मतलब रेड मीट की कमी नहीं होने देंगे, तब कौन सा आप हिंदुओं के क्या कहते हैं भावनाओं के साथ खेलते हैं? तो नॉर्थ में गाय मम्मी हो जाती है, साउथ में यम्मी हो जाती है आपके लिए, यही आपका धर्म को लेकर स्टैंड है। एक तरफ कहते हैं मैं ओबीसी का बेटा हूं, दूसरी तरफ आप कांग्रेस से कहते हैं कि इन्होंने ये ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, जातीय कार्ड खेल रहे हैं, जातीय जनगणना कर रहे हैं, तो जातीय जनगणना में तो बिहार के 9 पार्टी, मतलब बुरा मत मानिए, आज थोड़ा हम्बल होने की जरूरत है, आज अपना हाल देख लीजिए, थोड़ा सा हम्बल होने की जरूरत है, मैं फैक्ट थोड़ा सा हम्बल होने की जरूरत है, आज आज जो हाल है, और कभी कभी लगता है कि आप जैसे लोग जितना बोलते हैं ना उतना इनको फायदा पहुंचाते हैं, आपको पता है बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, गलत है तो आप बोलिए, मैं कह रहा हूं बीजेपी को फायदा, जाति वाला कार्ड, ओबीसी वाला, भाई ओबीसी प्राइम मिनिस्टर तो है ना, तो फिर ये जाति कार्ड प्रधानमंत्री जाति कार्ड, पहले शहजाद उसके बाद विजय को, पहले बताना अपनी आइडेंटिटी बताना, कार्ड कैसे हो गया भाई, अब एक अपनी आइडेंटिटी, जाति कार्ड नहीं, ऋषि हो गया ऋषि, प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे लोग ये कहेंगे कि मैं ओबीसी पद से आता हूं, जिससे अमन जी मैं बात रख सकता हूं अपनी, शहजाद जी देखिए थोड़ी सी आपको भी रखनी होगी, ऋषि कांग्रेस के समर्थक है और इनको दर्द हुआ है, थोड़ी सी सहानुभूति रखनी, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है डिबेट में थोड़ा दर्द चल के हमको थोड़ा सहानुभूति दिखानी होगी आपको। अब आप बोलिए शहजाद, फिर विजय जी मैं आपके पास, एक एक करके बोलेंगे ऋषि, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोले ना सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, शहजाद पूनावाला। देखिए यदि एक तथ्य को स्टेट करना, विभाजन की राजनीति करना होता है, तो राहुल गांधी जी ने तो बताया कि वो जन्यूधारी ब्राह्मण है, उन्होंने तो कोर्ट पर जन्यू पहने हुई तस्वीर बता दी, तो क्या वो बांटने की राजनीति कर रहे थे? वो तो एक तथ्य है ना, पर तथ्य के बाद अगर आपके परिवार का इतिहास ये रहा हो कि आपने लगातार मंडल कमीशन आयोग का विरोध किया हो, आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा हो कि इसको लागू नहीं होना चाहिए, देश को बंटवार देगा, ये आपने कहा हो कि ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, और फिर आज जाकर केवल राजनीति के लिए आप इस प्रकार का हथकंडा अपनाते हैं, और अखिलेश यादव भी आपकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये साफ साफ नजर आता है कि आपने केवल इसको विभाजन करने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया। और वैसे बात क्या करते हैं भारत जोड़ो की, और भारत जोड़ो की बात करते हैं परंतु अफजल गुरु के हत्यारों की प्रशंसा करने वाले, मतलब अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की, इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों के साथ खड़े होने तक लेकर भारत के टुकड़े टुकड़े की कामना करना, और आज भारत के टुकड़े टुकड़े नॉर्थ और साउथ में करना, कभी भाषा के आधार पर करना, कभी जाति के आधार पर करना, ये काम अगर करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं कर रही है कहकर,
मतलब वो कहना क्या चाह रही है, जब ये कह रही है द साउथ, मतलब कि नॉर्थ में आपको रिजेक्ट किया गया, तो क्या नॉर्थ के वोटर्स जो है या नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनमें क्या कमी है, कांग्रेस क्या बताना चाह रही है? आप तो नहीं करेंगे तो आपको जो विश्लेषक बैठे हैं सारे सब नॉर्थ से हैं। अगर वो ये सब नहीं करेंगे शहजाद, तो आपको कहां से 166, 114 और ये 54 मिलेगा? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी राजस्थान से, तो आपको कहां प्रचंड बहुमत मिलेगा? तो ये तो आपके लिए भी जरूरी है। बहरहाल विजय जी, अभी मैं देख रहा था, अभी ये जो अखिलेश यादव का जिक्र हुआ, ये प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, उन्होंने परमिशन के साथ ही ट्वीट करा होगा, वो तो बिना परमिशन के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अखिलेश का असली मतलब, अखिलेश वखिलेश का मतलब समझ आ गया होगा। अब सोचिए, अपने सुना रहे हैं आप लोगों को, तो हमारा अमन भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी और अमित शाह जी की रणनीति और उनके राजनीतिक षड्यंत्रों के लिए जो उन्हें जीत मिली है इन तीन राज्यों में, उसके लिए बधाई देता हूँ। उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है सर, उसको कौशल के नाम पे षड्यंत्र जैसा शब्द, राजनीतिक षड्यंत्र सफल रहे। नहीं नहीं, अच्छा एक मिनट, कौशिक जी, नहीं नहीं कौशिक जी की हिंदी थोड़ी कमजोर है, वो कौशल कहना चाह रहे थे, राजनीतिक कौशल उनके मुंह से षड्यंत्र निकल गया है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री को विश्व राजनीतिक कौशल की बात कर रहे हैं, इसमें विश्व को लोग विजय षड्यंत्र फिर शहजाद आ रहा हूँ। तो उनके जो राजनीतिक षड्यंत्र सफल हो रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की भी कमी है निश्चित तौर पर, कि जो हम उनके षड्यंत्रों का जवाब नहीं दे पा रहे। कैसे षड्यंत्र? आप देखिए, महादेव ऐप वाला मामला, जो जिसको गवाह बनाया गया था भाजपा द्वारा फर्जी सीबीआई और ईडी के माध्यम से, उसने बाद में विशेष जज को लिखी चिट्ठी में बीजेपी ने उसको गवाह बनाया था सीबीआई और ईडी के द्वारा। नहीं, बीजेपी ने, बीजेपी ने ईडी सीबीआई, खुद मोदी जी ने कहा कि बीजेपी ने गवाह बनाया था, मेरे साथ ही सीबीआई और ईडी आई, खुद मोदी जी ने तो जिता देती ना जनता आप लोगों को। इतने समझदार आप हैं, वोटर्स कम समझदार है क्या? आप वोटर को ना समझ क्यों समझते हैं नादान? क्या बात, वोटर कम समझदार है क्या? जिसकी भाई महादेव को भी नहीं बख्शा ये कहा था ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भाई मोदी जी की आजकल लाठी चल रही है, तो भैंस जनता को भैंस समझ रहे हो, जिस मर्जी तरह से वो हंक रहे हैं सीबीआईडी के माध्यम से। फिर आपको कोई वोट नहीं देने वाला आप लोगों के ना, ऐसी जनता को भैंस बोलते हैं आप लोग। मेरी बात तो सुनिए ना, ये कांग्रेस के नेता हैं, आपको बताएं ये जो बोल रहे हैं, ये जनता को भैंस बोल रहे हैं स्टूडियो में बैठकर, फिर कहते हैं हमको वोट दे दो वोट दे दो। मैं कह रहा हूं मोदी जी जनता को भाजपा को वोट करेगा वो राक्षस होगा, सुरजे वाला जी ने कहा। मुझे ये बताइए ना कि सीबीआईडी का इस्तेमाल करके, अच्छा एक मिनट, मैं बीजेपी ऑफिस जाऊंगा क्योंकि मेरे दो सहयोगी अमित और प्रियंका दोनों जुड़ गए हैं, पीएम वहां पर पहुंच सकते